महाराज जी का आटा भाटा कुटिया तक डाल दिया जाए, पहुंचा दिया जाए। ये महाराज जी की कुटिया है, ये छोटी सी, इसे कहते हैं भंडार गृह। यही महाराज जी सर जी बताए हमें कि खाओ भी राना मासा रो बड़े बड़े आशा कुटिया में दिखाओ ना तमाशा, इतना बोल दिया तुम बस, और ये नहीं कहते कि का करो का ना करो। सही बात। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे पीछे हिरन का बच्चा देखिए छोटा सा बैठा हुआ है और खा पी के बढ़िया पत्तियाँ खा रहा है, आम की पत्तियाँ खा रहा है, यहीं पे बैठा है और इसी तरह दोस्तों बैठा रहता है और यही खाता रहता है। इसको किसी भी प्रकार के देखिए रस्सियाँ वस्सियाँ बांधी नहीं। दोस्तों चित्रकूट लाइव में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम चित्रकूट के बीहड़ में आए हुए हैं और यहाँ पर एक बहुत ही साधु संत महात्मा लोग रहते हैं, उन्हीं से मिलेंगे। और मेरे आसपास का आप नज़ारा देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखिए पूरे खेत कट चुके हैं, चारों तरफ देखिए सन्नाटा है, कोई आता जाता नहीं है यहाँ पे, देखिए। तो दोस्तों हम जहाँ पे आए हुए हैं तो यहाँ पे एक ठोस महात्मा जी रहते हैं और जिनको बहुत सी सिद्धियाँ प्राप्त हैं, तो आज हम उन्हीं से मिलेंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बीहड़ इलाके में पड़ता है ये आश्रम और यहाँ पर ज़्यादा कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दूर पैदल चढ़ना पड़ता है और यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं आती। देख सकते हैं रास्ता किस तरह की उबड़ खाबड़ रास्ता है और यहाँ पे देखिए मेड़े बनी हुई हैं और जो खेत थे पूरे कट चुके हैं। तो अब ऐसी रास्ता है और हम ऐसी रास्ता से जाएंगे पैदल और आपको आगे दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर रहते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं। मेरे आसपास का नज़ारा आप देख सकते हैं, चारों तरफ देखिए पहाड़ ही पहाड़ है ये देखिए, और खेत हैं और इन्हें खेत के बीच से जाना पड़ता है। तो आइए चलते हैं, हम आपको आगे का दिखाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ एक सिंगल घर, चारों तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां, ये देखिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे छोटा सा बछड़ा है, अभी ज़्यादा दिन का नहीं, बिल्कुल छोटा सा है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, देखिए इसकी माँ है, देखिए मार रही है, देखिए देखिए छोटा सा बछड़ा। चारों तरफ जंगल ही जंगल है, बीहड़ पूरा। आज हम यहीं पे आए हुए हैं और यहीं पे एक महात्मा रहते हैं, उनसे मिलेंगे। चारों तरफ देख सकते हैं खेत ही खेत हैं, अब कुछ नहीं दिख रहा, पहाड़ दिख रहा है। चलिए बने रहिए, हम आपको आगे लेके चलते हैं। देख सकते हैं जंगल, देखिए दोस्त जंगल, पहाड़ी देखिए, और देखिए यहाँ पे कुछ गाय माता चर रही हैं। और ये देखिए छोटे छोटे घर बने हुए हैं पहाड़ी के नीचे ही, जस्ट बहुत ही सुंदर स्थान है। आप यहाँ पे आ सकते हैं और आके घूम सकते हैं। आइए चलते हैं आगे। ये देखिए दोस्तों पेड़ पौधे और जंगल। देखिए दोस्तों यहाँ पे पहाड़, देखिए किस तरह के पहाड़ हैं, देख लीजिए। और इसी तरह के पहाड़ों में यहाँ के जो साधु संत रहते हैं गुप्त रूप से, यहीं पर रह के तपस्या करते हैं और यहाँ पे उनका महाराज जी का आश्रम है इन पहाड़ियों के बीचों बीच। और इन्हीं पहाड़ियों के बीचों बीच कंदराओं में महाराज जी रहते हैं अपनी गुफा बना के और यहीं पर रह के भजन करते हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों कितना ज़्यादा बीहड़ स्थान है ये, और इस बीहड़ स्थान में देखिए पहाड़ियों के बीच में ही महाराज जी रहते हैं, यहीं रह के तपस्या करते हैं। और यहाँ दूर दूर तक देखेंगे आप तो दूर दूर तक कोई घर नहीं दिखेगा, ऐसे ही जंगल चारों तरफ दिखेंगे। देख सकते हैं पानी बरसने की वजह से थोड़ी देखिए यहाँ पे हरा भरा हो गया है, नहीं तो यहाँ पर बिल्कुल से बंजर था, हरियाली एक भी नहीं थी। अभी बीच में पानी बरसा तो हरियाली हो गई है। बने रहिए आप हमारे साथ, अभी आपको ले कर चलेंगे, यहाँ पर अंदर ले कर चलते हैं। ये यहाँ पर छोटी सी कुटिया दिख रही है, यहीं पर ले कर चलेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। देखिए दोस्तों ऐसी रास्ताएं हैं बीहड़ जंगलों में जाने के लिए, और ऐसी रास्ताओं से होके जाना पड़ता है। और ये आसपास का ये इलाका है जो
करका बीहड़ आश्रम के नाम से जाना जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा बीहड़ क्षेत्र है और यहाँ पे ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं है। जो जानकार लोग हैं वही यहाँ पर आ पाते हैं, नहीं वैसे यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। ये देखिए चारों तरफ आपको जंगल ही जंगल दिखेंगे। अभी आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम आपको अंदर ले कर चलेंगे और महाराज जी से मिलाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं और यहाँ पे खड़े हैं। महाराज जी है यार हूँ अंदर। और को है? अकेले हैं? हिरन है। कहाँ गए रहे हो तुम पंच? कुटिया घूमे गए रहे हो? घर कहाँ है? अच्छा वहाँ है। नाम क्या है तुम्हारा? और इसका क्या नाम है? बच्चू। और ये टोपी वाले क्या नाम है? और वो जो उधर बैठा है सुनील। तीनों दोस्त हो कि भाई भाई हो? दोनों भाई भाई हैं। अच्छा दोस्त हो हैं। तो रोज यहाँ घूमने आते हो कि आज है आए थे? हिरन है कि नहीं आए? तो कहे चले आए इतना जल्दी? अच्छा अच्छा चलो ठीक, हम भी मिल के आते हैं फिर। ठीक देखिए दोस्तों, ये बच्चे थे जो महाराज जी की कुटिया में गए थे और उनसे मिल के आए हैं, तो अभी हम लोग अभी आगे चलेंगे। जैसा कि दोस्तों ये देखिए गेट है और इसी गेट से अंदर जाना होता है, इसी गेट से हम लोग अंदर चलेंगे और आपको आगे का नज़ारा दिखाएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। ये देखिए दोस्तों चारों तरफ घने घने पहाड़ और बड़े बड़े वृक्ष। आइए चलते हैं आगे। कि दोस्तों आज हम चित्रकूट के बीहड़ जंगल में आए हुए हैं और यहाँ पे देखिए साधु महात्मा भी रहते हैं और एक समय डाकुओं का डकैतों का इलाका था और यहीं पे दस्सु ददुआ यहीं पे आता जाता था और यहाँ पे डकैतों का बसेरा भी था एक समय। यहाँ पे लोग आना जाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि खतरा भी था लोगों को, इसीलिए यहाँ पे लोग नहीं आते थे। दोस्तों आज हम ऐसे स्थान पे आए हुए हैं। देखिए दोस्तों यहाँ का आसपास का आप नज़ारा देख सकते हैं और यहाँ पे बाबा जी की कुटिया छोटी सी और ये देखिए चारों तरफ आम के वृक्ष लगे हुए हैं और यहाँ पे देखिए यहाँ पे महाराज जी रहते हैं। आप देख सकते हैं आश्रम कितना सुंदर स्थान पे है और चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बहुत ही सुंदर स्थान है दोस्तों। यहाँ पे आप आ सकते हैं और यहाँ पे आके महाराज जी से मिल सकते हैं और देख सकते हैं कई पहाड़ियाँ हैं, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। दोस्तों आज हम चित्रकूट के बीहड़ जंगल में आए हुए हैं जो मानिकपुर क्षेत्र में पड़ता है और दोस्तों इस स्थान की बहुत लंबी कहानी है क्योंकि एक समय ये दस्सु ददुआ का गढ़ हुआ करता था जहाँ पे वो रहते थे और यहीं पे डेरा डाले पड़े रहते थे। तो यहाँ पे लोग एक समय नहीं आते थे क्योंकि उनको बहुत ही डर लगता था कि कब हमारे साथ क्या हो जाए और ये बहुत ही बीहड़ क्षेत्र है, यहाँ पर लोग आना पसंद नहीं करते। अभी भी बहुत कम लोग यहाँ पर आते हैं, जिनको जानकारी है वही लोग आते हैं, नहीं यहाँ पर कोई आ नहीं पाता है। मेरे तरफ चारों तरफ आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको जंगल ही मिलेंगे और पहाड़ मिलेंगे। ये देखिए मैं आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे महाराज जी की कुटिया है और कुछ भी नहीं है और चारों तरफ जंगल ही जंगल है। ये देखिए मेरी तरफ पेड़ लगा हुआ है आम का और पहाड़ की चोटी है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है दोस्तों, दूर दूर तक गाँव नहीं है, कम से कम आपको 5 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ेगा तब आप यहाँ पर आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ भी नहीं आती हैं। अब बहुत ही बीहड़ क्षेत्र है, एक समय डकैतों का अड्डा था यहाँ पे, लेकिन अब डकैत नहीं रह गए हैं इसलिए अब यहाँ पे कोई कुछ नहीं बचा है। तो बने रहिए आप हमारे साथ, अभी हम आपको महाराज जी से मिलाते हैं और उनसे कुछ बातें भी करेंगे। तो आइए चलते हैं। महाराज जी का आटा भाटा कुटिया तक टाल दिया जाए, पहुँचा दिया जाए। ये महाराज जी की कुटिया है, ये छोटी सी, इसे कहते हैं भंडार गृह। यही महाराज जी का भंडार रहता है दोस्तों। ये देखिए आटा भाटा है, तेल है, नमक है। भंडार गृह महाराज जी का। इसे कहते हैं जंगल में मंगल। ये दोस्तों महाराज जी का भंडार गृह है। देखिए यहाँ पे सौर ऊर्जा की एक बैटरी लगी हुई है
लाइट के लिए, महाराज जी का सामान इतना। और ये देखिए यहाँ पे खाना वाना बनता है, महाराज जी के बर्तन वर्तन है। और देखिए इस पर लकड़ी का है। और देखिए यहाँ पर भी एक महाराज जी का भंडार गृह है, यहाँ पे भी सामान वामान रखा हुआ है। अंधेरा है, ये देखिए सौर ऊर्जा का पैनल रखा हुआ है। और इस तरह सामान है, यहाँ पे लकड़ी का है, बोर्ड लगा हुआ है। ये महाराज जी का भंडार गृह था दोस्तों, ये लकड़ी का छाया हुआ है। देखिए ये देखिए यहाँ पे सौर पैनल लगाया गया है रोशनी के लिए रात में। और ये चारों तरफ देखिए जंगल है, पहाड़ है, बड़े बड़े वृक्ष हैं। ये देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे महाराज जी ने एक तो हिरन पाल रखा, छोटा सा हिरन है। और हम आपको चलते हैं वह दिखाते, देखिए वहाँ पे बैठा हुआ है और बहुत ही सुंदर है। और इसी को महाराज जी बांध के नहीं रखते हैं, ऐसे ही खुला छोड़े रहते हैं और ऐसे ही खुला रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये आम का देखिए वृक्ष लगा हुआ बड़ा सा, और आम नहीं लगे शायद। और यहीं पर देखिए छोटा सा हिरन का बच्चा है, और हम आपको अभी आके दिखाते हैं। देखिए ये देखिए यहाँ पर है, और यहाँ पे देखिए बैठा हुआ है, खा पी के देखिए बैठा है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए चारा खा रहा है बेचारा। देखिए जंगली जानवर कैसे रहते हैं दोस्तों, देखिए किस तरह खाता है खाना। और देखिए चारा चर रहा है यहाँ पे, देखिए ऐसे ये यहाँ पे बैठा रहता है और ऐसे खाता रहता है। इसको महाराज जी बांध के नहीं रखते हैं और ऐसे ही खुला छोड़े रहते हैं और ऐसे ही रहता है। ये देखिए कितना प्यारा है दोस्तों, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। देखिए देखिए कितना आराम से बैठा है, ये पत्तियां खा रहा है दोस्तों। देखिए आम का वृक्ष यहाँ पे लगा हुआ है और बिल्कुल इतना पास है आम का वृक्ष कि हम इसको पकड़ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आम नहीं लगे हुए हैं यहाँ पर, आम सब तोड़ दिए गए हैं। ये आम का वृक्ष है, ये देखिए चारों तरफ जंगल है और यहाँ पे बच्चा बैठा है। देखिए तो देखिए दोस्तों, ये मेरे पीछे हिरन का बच्चा देखिए छोटा सा बैठा हुआ है और खा पी के बढ़िया पत्तियाँ खा रहा है, आम की पत्तियाँ खा रहा है, यहीं पे बैठा है। और इसी तरह दोस्तों बैठा रहता है और यही खाता रहता है। इसको किसी भी प्रकार के देखिए रस्सियाँ वस्सियाँ बांधी नहीं गई हैं, गले में एक तो देखिए डोरी टाइप बांध दिया गया है 100 पीस के लिए, लेकिन इसको बांध के नहीं रखा गया, ऐसे ही खुला रहता है और आराम से ऐसे घूमता रहता है। ये देखिए, और महाराज जी ने इसको कुत्तों से बचा लिया था क्योंकि जंगली कुत्ते इसे तोड़े डाल रहे थे जब छोटा बच्चा था, तो महाराज जी ने इसको बचा लिया था और ऐसे ही पहला से इसको दूध पिला पिला के इतना बड़ा कर दिए हैं। अब ये ऐसे यहीं पे रहता है, बढ़िया घूमता फिरता रहता है लोगों के साथ, और देखिए डरता भी नहीं है। हम इसके बढ़िया पास रहते हैं, इसके खिलाएंगे भी तो, लेकिन भागेगा नहीं, ऐसे बैठा रहते हैं क्योंकि लोगों से मिलता जुलता रहता है तो लोगों से मिलने का आदी हो गया है, इसलिए अब इसके अंदर से डर ख़त्म हो गया इंसानों का। अगर जंगल में रहता कभी इंसानों से न मिला होता तो इसके अंदर डर रहता, लेकिन अभी फ़िलहाल इसके अंदर किसी प्रकार का डर नहीं है। ये भी समझ चुका है कि हमें इंसानों से डर नहीं है, इसलिए भागता नहीं है, बैठा रहता है। अब देखिए पत्तियां खा रहा है, आम की पत्तियां मेरे सामने लगी हुई हैं। देखिए आम का वृक्ष है और बहुत ही सुंदर स्थान है दोस्तों, आप यहाँ पे आ सकते हैं और हिरन से मिल सकते हैं। और इसका नाम भी बहुत प्यारा महाराज जी ने रखा है, और क्या नाम रखा मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी चलेंगे महाराज जी से पूछेंगे इसका नाम। देख सकते हैं कैसे बैठा हुआ है, और आपको और दिखाते हैं इसको। देखिए क्या ढूंढ रहा है भाई, पत्तियां ढूंढ रहा है क्या, पत्तियां ढूंढ रहे हो ओ मिस्टर। खा रही पत्तियां ढूंढ ढूंढ खा रही भाई, ये किस तरह की पत्तियां ढूंढ रही है, हरी घास खा रही है, हरी घास। ये देखिए हरी घास खा रही है, ये देखिए हरी घास। बैठी कैसे है यार, ये
ये देखिए इधर से दिखाता हूँ आपको, तो दोस्तों जो ये महाराज जी की जो हिरन है, तो महाराज जी ने इसका नाम प्रभावती रखाया हुआ है। और प्रभावती दोस्तों कितना सुंदर नाम है, देखिए कितना सुंदर प्यारा नाम है महाराज जी ने ढूंढ के रखवाया हुआ, प्रभावती। प्रभावती देखिए दोस्तों कितनी प्यारी लग रही है प्रभावती, देखिए इसके शरीर में देखिए चित्ती चित्तीदार है, देखिए सफ़ेद सफ़ेद चित्तीदार है, और देखिए काफ़ी बड़ी हो गई है, पहले बहुत छोटी थी अब लेकिन बड़ी हो गई धीरे धीरे, और ये बड़ी होगी अभी काफ़ी बड़ी हो जाती है, गाय से थोड़ी छोटी रहती है लेकिन काफ़ी बड़ी हो जाती है। और दोस्तों ये ऐसे ही बैठी रहती है बढ़िया आराम से, पत्तियाँ खाती है हरी हरी पत्तियाँ, ये जैसे आम की पत्तियाँ, मैं इसको खिला रहा हूँ, अगर देखिए खाएगी तो खिलाता हूँ, लो ये देखो, लो खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो, नहीं खा रही दोस्तों, हरी पत्तियाँ नहीं खाती है, आम की पत्ती सर नहीं खाती, लो 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 खा लो खा लो खा लो, ले देखो 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 देखो, देखा आ जा प्रभावती, ए प्रभावती खिला लेने आ बच्चा, वैसे खाओगे का, लो बैठी आराम से, भक्ति नहीं है, ये देखिए खा पी के मस्त हो रही है, देखिए अरे बेटा लो खा लो, लो खाओ 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 खाओ, नहीं खा रही अभी, इसका पेट भरा हुआ है इसलिए खाना नहीं खा रही, अभी चलते हैं महाराज जी से मिलते हैं और प्रभावती से फिर बातें करेंगे जब हमारे पास आएगी वहाँ पे, आइए चलें। तो अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि चित्रकूट की जानकारी लोगों तक पहुँच सके और दूर दूर से लोग चित्रकूट में आ सकें और यहाँ के दर्शन कर सकें और इसके चित्रकूट के बारे में लोगों को बता सकें, क्योंकि चित्रकूट में भी बहुत सी ऐसी पुरानी विरासतें हैं जो आज मौजूद हैं, जो एक समय लोग यहाँ पे नहीं आ पाते थे क्योंकि यहाँ पे डकैतों का इलाका था और डकैत बहुत ज़्यादा हावी थे, लेकिन किसी को परेशान नहीं करते थे वो भी, लेकिन फिर भी लोग डरते थे और यहाँ पर आ नहीं पाते थे, लेकिन अब वो नहीं है इसलिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बिना डर के लोग यहाँ पर आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं और चित्रकूट में अलग अलग जगह घूम के चित्रकूट का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और चित्रकूट में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां आप आ सकते हैं, घूम सकते हैं और ऐसे जानवरों का प्यार पा सकते हैं, ये देखिए बहुत ही सुंदर स्थान। तो दोस्तों आप ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए ताकि हम आप लोगों के लिए चित्रकूट के ऐसे ही बेहतरीन वीडियो ला सकें और आप यहाँ का लुत्फ़ उठा सकें। आप हमारा वीडियो देखते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे जितने वीडियो हैं उनको शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको यहाँ पे घुमाने का काम भी करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ और चित्रकूट के बारे में ऐसी ही नई नई जानकारी लेते रहिए, धन्यवाद। आइए चलते हैं आगे की ओर, देखिए महाराज जी यहाँ पर रहते हैं और महाराज जी की छोटी सी कुटिया है और कुटिया में एक सिद्ध बाबा हैं और सिद्ध बाबा के दर्शन आपको करवाते हैं और सिद्ध बाबा बहुत बहुत लोगों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं सिद्ध बाबा का स्थान। तो महाराज जी कितने आदमी रोज आ जाते हैं यहाँ में, कहाँ कहाँ 50 आ जाए, कहाँ 100 आ जाए, मेला लागत है 400-500 आदमी इनता आवर रहा है। अब जब तक वहाँ जाते पानी नहीं है, यहाँ व्यवस्था नहीं है, जो को तकलीफ है बेचारे आवर रहते, तो भगवान के सिद्धि है यहाँ, भगवान का कहते भगवान है के तो आया है यार चित्रकूट में, कहते ना मर जाए, इतना कीड़ा कहाँ बढ़े रहे, पाई पर गए, सूढ़ी पर गए, जब वो खाती और सोता है तो वही से पर गए, पहले के युग में इंसान नहीं था, इसलिए आप खावे करो ठीक।